खबर इटावा के जसवंत नगर से है। आपको बता दें कि जसवंत नगर में इस समय तक लगभग 13% तक मतदान हो चुका है। कहीं से किसी भी प्रकार से मतदान को प्रभावित करने की सूचना प्राप्त नहीं है। हाँ, निलोई मोजा के ग्राम प्रतापपुरा में वोटों के काटे जाने और ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना जरूर प्राप्त हुई है। हमारे जिला संवाददाता मेघ सिंह वर्मा ने तुरंत ही संज्ञान लिया और जसवंत नगर के संवाददाता मनोज कुमार को लेकर गांव प्रतापपुरा पहुंचे। वहां पर उपस्थित लोगों से वोट डालने में आ रही असुविधा के बारे में जानकारी ली। लोगों ने जो कुछ भी बताया आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं TTN 24 समय का सच। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद इटावा के निलोई पंचायत के ग्राम प्रतापपुरा में। यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, वोटर हैं, मतदाता हैं, जिनको इनको लेकर शिकायत है कि इनके वोटरों से नाम काट दिए गए हैं। इनको भारी आक्रोश है और इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है, जो कि क्या कमी है इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक यादव है और मैं इसी गांव पर रहने वाला हूँ, प्रतापपुरा का। क्या क्या कमी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये दिक्कत ये आ रही है कि साहब, जो है पहले भी पिछले वाले उपचुनाव जब हुआ था तब भी 30-35 वोट काटे गए थे, उसमें मेरा खुद का वोट काटा गया था, लेकिन अब हमारा तो बन के आ गया है और लेकिन फिर से अब की बार करीब 15-20 वोट तो अभी मेरी जानकारी में आ गया, फिर से दूसरे लोगों कट गए हैं दोबारा से। क्या लगता है ये वोट लीड कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्यों काटे गए, क्या लगता है? हाँ, ये सब जो ऊपर से जानबूझ के होते हैं, इसमें BLO की कोई गलती नहीं होती है। मैंने खूब पता कर लिया, BLO अपना काम यहाँ से करके भेजते हैं, लेकिन जो किया जाता है वो ऊपर से किया जाता है, तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे जहाँ भी करते होंगे वहाँ करते हैं, ये वहीं से गड़बड़ करते हैं। और दूसरी चीज़, सब समस्या एक जो और आ रही है, हमारी जो मशीन आई हुई है पोलिंग पर, 51 नंबर हमारा बूथ है प्रतापपुरा का, तो उस पर जो है जो मशीन गड़बड़ कर रही है, बार बार रुक जाती है, बार बार रुक रही है, स्लो बहुत चल रही है। क्या इसकी सूचना किसी उच्चतम अधिकारी को की गई है आपके द्वारा? मैंने थोड़ी देर पहले SDM साहब से कहा था, फोन करके हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं दिखवा रहा हूँ, अब तक कोई तो खैर अभी तक नहीं आ पाया है। तो एक तो जो मशीन की व्यवस्था है, मशीन गड़बड़ कर रही है, यहाँ जो है स्लो चल रही है, बंद हो जाती है बार बार बंद हो जाती है, बार बार चालू हो जाती है, बंद होती है ये सब जो है, और जो आवाज़ नहीं आती, पी की आवाज़ जो आती है वो बहुत देर में कहीं कुछ इसमें मशीन मतलब कुछ मिला। पहले भी लोग डालते रहे हैं वोट, पहले इस तरीके की समस्या कोई नहीं थी मशीन में, लेकिन इस बार ये समस्या आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक और चाचा जी खड़े हूँ, मैं उनसे वो पूछता हूँ, क्या नाम है चाचा? रमेश चंद। किस तरह की मशीन में समस्या देखने को मिल रही है? मशीन में हमारे चार जो है वोटर जाते हैं, वोट पड़ता है, फिर बाकी बात फिर खराब हो जाती है, फिर दो चार वोट गए हैं, फिर उन्होंने डाला, फिर खराब हो गई, ऐसे बड़ा स्लो होता है, मतलब एक घंटे में 25 वोट पड़ पाता है, ये पोजीशन है। कितनी वोटों की संख्या यहाँ पर, कितने मतलब? यहाँ है 648 वोट। और सुनने में आया, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो जो मत पड़ते हैं वो पूर्ण बहुमत पड़ते हैं, पूर्ण सभी प्रकार के 90% मत पड़ते हैं। यहाँ पड़ते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज एक गमी हो गई है परिवार में जी, इस वजह से जो है सारे लोग अभी उसी में व्यस्त हैं, लेकिन जब वो कार्यक्रम हो जाएगा तब निकल के आएंगे। अब जैसे कि हम माने या आयोग की कमी माने या मशीन की है, क्या मशीन की कमी है जी? जी, ये मशीन बदलवानी चाहिए जी, क्या छेड़छाड़ की गई है, क्या लगता है? हमें तो छेड़छाड़ लग रहा है, छेड़छाड़ लग रहा है जी। तो ये देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि इनका आरोप है कि एक तो मतदाता सूची में से नाम कम किए गए हैं और दूसरा ईवीएम मशीन में उसमें छेड़छाड़ की गई है, ऐसा इनका आरोप है। और हम प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ के जो उच्चतम अधिकारी हैं उनको कहना चाहेंगे इस मशीन को देख के इनकी समस्या का समाधान किया जाए।